तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वाईटी चैनल हेयर। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहां पे रेडमी 9T डिवाइस या आप यहां पे रेडमी 9 पावर डिवाइस के यूज़र हैं, तो आज आपके लिए यहां पे एक और न्यू अपडेट रिलीज़ किया गया है। और उस अपडेट का साइज़ कितना है, उसमें हमें कौन से फीचर्स, आज मैं आपको उस अपडेट का फर्स्ट प्रिव्यू भी देने वाला हूँ। और वो अपडेट इंडिया में कौन से मंथ में रिलीज़ किया जाएगा, मैं आपको इसमें ये भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे Redmi 9T डिवाइस में ग्लोबल स्टेबल में 12.5.4.0 से एक न्यू अपडेट रिलीज़ किया गया है, 12.5.6.0 का RJQMIXM। और इस अपडेट का जो साइज़ है वो आपको 360 MB का यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और जो इस अपडेट का चेंज लॉग आपको देखने के लिए मिलता है, वो ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव सिस्टम सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। तो आपको इस अपडेट में ये चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। और इस अपडेट का साइज़ केवल 360 MB का आपको देखने के लिए मिल जाता है। और आप जब Redmi 9T यूज़र इस अपडेट को अपडेटेड कर लेते हैं, तो आपको इसमें लेटेस्ट एंड्रॉयड का सिक्योरिटी अपडेट देखने के लिए मिल जाता है। यानी कि आपको इसमें दिसंबर का सिक्योरिटी पैच यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। ये भी एक बहुत ही बढ़िया बात है Redmi 9T डिवाइस के लिए। तो अब मैं आपको इसका फर्स्ट प्रिव्यू दे देता हूँ कि हमें इसमें 12.5.4.0 से 12.5.6.0 से क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो मैं आपको इसमें साफ साफ बता देता हूँ, 12.5.4.0 जो ग्लोबल में अपडेट आया था, वो अपडेट बहुत ही कम यूज़र्स को यहाँ पे देखने के लिए मिला था। और ये 12.5.6.0 अभी केवल MI Pirates में ही रिलीज़ किया गया है। और अब ये हमें MI Pirates से पब्लिक में बहुत ही जल्द यहाँ पे रिलीज़ कर दिया जाएगा। और आपको इसमें कुछ भी न्यू चेंजेस नहीं देखने के लिए मिलते हैं, जो भी 12.5.4.0 में थे वही सेम टू सेम 12.5.6.0 में भी आपको दिए गए हैं। बस आपको इसमें एंड्रॉयड का जो सिक्योरिटी पैच है, वो अक्टूबर से दिसंबर का हमें यहाँ पे दे दिया गया है। और आपको इसमें एडिशनल सेटिंग्स में मेमोरी एक्सटेंशन देखने के लिए मिल जाती हैं। आपको इसमें नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में न्यू कंट्रोल स्टाइल का इस तरीके से न्यू UI देखने के लिए मिल जाता है। आपको इसमें होम स्क्रीन में एंड्रॉयड 10 का गेस्चर बार देखने के लिए मिल जाता है, वगैरह वगैरह। तो 12.5.4.0 12.5.6.0 बिल्कुल सेम टू सेम ही अपडेट हमें देखने के लिए मिलते हैं। कुछ भी चेंजेस इस वाले न्यू अपडेट में नहीं किए गए हैं, बस इसमें हमें एंड्रॉयड का सिक्योरिटी अपडेट ही अपडेट किया गया है। तो अब बात कर लेते हैं इंडिया में न्यू अपडेट हमें कौन से महीने तक यहां पर देखने के लिए मिल सकता है। तो इंडिया में अभी बहुत सारे यूजर्स को 12.0.12.0 से 12.5.4.0 का अपडेट नहीं मिला है। यहां पर ऐसा भी कह सकते हैं कि जो भी 12.0.12.0 से हैं, उनको 12.5.4.0 अभी तक देखने के लिए मिला ही नहीं है। जो 12.0.10.0 थे, उनको ही 12.5.4.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट Redmi 9 पावर डिवाइस के लिए देखने के लिए मिला है। तो अब बात कर लेते हैं न्यू अपडेट हमें इंडिया में कब तक रिलीज़ किया जाएगा। तो ये जो हमें ग्लोबल में मिला है 12.5.6.0 का, ये हमें एक न्यू अपडेट रिलीज़ किया गया है। और ये अपडेट हमें 13th of January को रात को रिलीज़ किया गया था। तो इंडिया में ये अपडेट हमें इसी महीने में देखने के लिए मिल जाएगा, 12.5.5.0 का या फिर 12.5.6.0 का Redmi 9 पावर इंडिया के लिए। और वो अपडेट 12.0.12.0 से भी हमें देखने के लिए मिल जाएगा, अगर आप यहाँ पे Redmi 9 पावर डिवाइस के यूज़र हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो Redmi 9 पावर से रिलेटेड, कि यहाँ पे ग्लोबल में एक न्यू अपडेट रिलीज़ किया गया है 12.5.6.0 का, और ये अपडेट इंडिया में भी बहुत ही जल्द आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे बड़े चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।